परीक्षा के बारे में अपना कोई वक्तव्य दे, विजिलेंस अपनी रिपोर्ट बताए भी, वो क्या मानता है, क्या उसको लगता है परीक्षा में कोई धांधली हुई या नहीं हुई, अब तक की जांच किस दिशा में गई है, तो आज उसके बता दें। विजिलेंस के प्रवक्ता आज मीडिया के सामने आए, उन्होंने मीडिया को कुछ बातें कही, वो मैं यहाँ आपको शामिल करना चाहता हूँ। पहला, विजिलेंस पे आरोप लगा कि आप सीनियर अधिकारियों को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, तो विजिलेंस के प्रवक्ता ने कहा है कि आरोपी एचपीएससी द्वारा हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और डेंटल सर्जन परीक्षा, यानी जो दो परीक्षाओं की हम बात कर रहे हैं, उनके अलावा किसी अन्य परीक्षा में समझौता नहीं हुआ। मतलब इन दो में वो मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करने में ये लोग कामयाब रहे। ये लोग का मतलब जो अधिकारी हटाए गए और जो गिरफ्तार किए गए उन लोगों के बारे में, तो वो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि ये जो दो भर्तियां हैं इनमें तो इन्होंने समझौता किया है किसी प्रकार का, बच्चों के साथ कोई भी कोई इनकी सेटिंग बैठी या नहीं बैठी, लेकिन बाकियों के अंदर तो इन्होंने किसी प्रकार की समझौता करने में ये सफल नहीं रहे। उसका कारण बताया है, आप वीडियो को अंत तक देखें, ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पर देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर विजिलेंस के प्रवक्ता ने माना कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन आलोक वर्मा जी हैं और सचिव भूपेंद्र सिंह जी, इन दोनों सहित जो आवश्यक अधिकारी थे उनको शुरू से ही नियमित रूप से जांच में शामिल किया गया। विजिलेंस को लेकर एक बात जो कही जा रही थी, जो भी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही थी, कह रही थी कि आप एचपीएससी चेयरमैन से तो पूछताछ कर लो पहले, तो उन्होंने आज स्वीकार कर लिया कि आलोक वर्मा जी और भूपेंद्र सिंह जी वगैरह जो अधिकारी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े हैं उनको नियमित आधार पर जांच से जोड़ा गया है। एचपीएससी से जो ओएमआर सीटें प्राप्त हुई कैंडिडेट की, और डिजिटल मीडिया भी कौन किस टाइम आया, एचपीएससी के सीक्रेसी रूम में कौन कब घुसा, उस सब से जो भी उस रिलेटेड डिजिटल मीडिया, उनको फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल में भेज दिया गया है, तो वहाँ उसकी जांच रिपोर्ट आएगी भी ये कौन कौन लोग हैं जो कैमरे में दिख रहे हैं, ओएमआर शीट में किसी दूसरी तरह की स्याही वो इस्तेमाल की गई है या नहीं की गई, वो सारी रिपोर्ट आ जाएगी, तो विजिलेंस को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में आसानी रहेगी। उसके अलावा विजिलेंस का कहना है कि अब परीक्षार्थियों को भी जाँच में शामिल कर रहे हैं, भी जो जो आरोपी लग रहे हैं, भी जिन लोगों के रोल नंबर बरामद हुए उन सब लोगों को बुलाया जा रहा है, पूछा जा रहा है भाई आपसे किसने संपर्क किया, कब संपर्क किया, क्या आपसे संपर्क हुआ, कितने में बात हुई। तो कहने का मतलब जो 25-30 रोल नंबर मिले हैं, अगर उनमें 5 पास हुए और 20 बच्चे ऐसे हैं जिनसे संपर्क तो किया गया, अगर आज वो आके विजिलेंस के सामने ये बात बोल देते हैं भाई हमसे 20 लाख मांगे तो 20 लाख फ्री के लिए कौन देता है, या 10 लाख मांगे तो हमारे पास इतने पैसे थे नहीं तो हम पीछे हट गए, तो भी इसका मतलब हो जाएगा कि इन्होंने कोशिश तो की थी, यानी धांधली तो स्वीकार हो जाएगी। विजिलेंस का इस मामले में एक कहना है कि ओएमआर शीट की स्कैनिंग का काम एजेंसी बदलने से भ्रष्टाचार की तरफ गया लगता है। एक संभावना उन्होंने व्यक्त की कि जो जसबीर सिंह की जो एजेंसी थी मैसर्स सेफ डॉट ई सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, उसके पास स्कैनिंग का काम नहीं था, जबकि अश्विनी की जो एजेंसी थी पारू डेटा सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, तो इसके पास स्कैनिंग का काम दिया गया, तो फिर ये उसके बाद में ये लोग आपस में, इन्हों के पास जब स्कैनिंग का काम आ गया तो इनके हौसले बुलंद हो गए, इन्होंने लगा अब हम किसी अभ्यर्थी की ओएमआर शीट में भी हेरफेर कर सकते हैं, तो इन्होंने शुरू किया। लेकिन विजिलेंस का यहाँ ये मानना कि हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और डेंटल परीक्षा, इन दो के अलावा किसी में समझौता नहीं हुआ, मतलब इन दो में समझौता हुआ है, इस चीज़ की पुष्टि आज विजिलेंस के प्रवक्ता के स्टेटमेंट से इनडायरेक्ट रूप से तो हो गई है। फिर भी देखो विजिलेंस इस मामले में, एक तो ये एफएसएल की जो रिपोर्ट आएगी उस पर, एक जो परीक्षार्थियों को जांच में शामिल कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट, ये जो समराइज्ड रिपोर्ट वो एचपीएससी को पेश करेगी, उसके आधार पर एचपीएससी चेयरमैन आलोक वर्मा जी डिसीजन लेंगे, एचपीएससी डिसीजन लेगी परीक्षा को रद्द करना। तो विजिलेंस का अपने स्टेटमेंट में ये मानना कि हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और डेंटल परीक्षा में तो समझौता हुआ है, अपने आप में परीक्षा में धांधली स्वीकार करता है, तो हमारा आज फिर ये मानना है कि ये परीक्षा रद्द होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी में रद्द हो जाएगी या दिसंबर अंतिम सप्ताह में रद्द हो जाएगी, और उसके बाद में ये फरवरी की आपको एक तारीख बता रखी है, फरवरी ये एक्सपेक्टेड है कि प्री दोबारा कंडक्ट होगा, और डेंटल सर्जन के साथ देखो ये क्या करते हैं, वो भी इनका उस परीक्षा को पूरी को रद्द करके दोबारा आयोजित करते हैं, क्या रहता है, जैसे हमें कोई सूचना प्राप्त होगी हम आपको जरूर बताएंगे। उपरोक्त वीडियो आप दिशा क्लासेज पर देख रहे हैं, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दिशा क्लासेज को लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।